नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक के जॉब के बारे में, जहां पर दोस्तों फोन बैंकिंग ऑफिसर का जॉब निकल के आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फोन बैंकिंग ऑफिसर का जॉब करना क्या होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको जॉब कैसे करना है। देखिए, फोन बैंकिंग ऑफिसर में आपको जैसे कॉल सेंटर की तरह ही आपको जो है डेली इनकमिंग कॉल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस जॉब में आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे तो आपको कोई सेल्स वगैरह नहीं होता। आपको जो इनकमिंग कॉल आएगा जो बंधन बैंक का कस्टमर से, अगर किसी भी कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो उसका बैलेंस डिडक्शन हो गया हो, या उसको कोई कुछ प्लान वगैरह आपको चाहिए हो, या आपको उनके अकाउंट के बारे में कुछ तो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक, उनको चाहिए, तो आपको डायरेक्ट कॉल करता है। कॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि कस्टमर के मोबाइल नंबर से हो या उनके अकाउंट नंबर से हो, ठीक है, आपको जो है आपके जो भी CRM दिया जाएगा उनमें चेक करना है कि कस्टमर जो इंक्वायरी किया है उसके रिलेटेड आपके CRM में चेक करने के बाद कस्टमर को जो है फिर रिप्लाई देना है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कस्टमर ने फ़ोन किया है डेबिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आपको आपके आप जो है डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन बता दिया है, उसके बाद कस्टमर ने फिर से क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उसी समय क्या करना है, कस्टमर को जो है कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है, कस्टमर का कॉल जो है फॉरवर्ड कर देना है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से जो है कस्टमर को 101% जो है सेटिस्फेक्शन ही करना है। ये फोन बैंकिंग ऑफिसर का काम है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंक जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारे वेबसाइट jobdekho.me पर जाइए, वहाँ पे भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इस जॉब के बारे में थोड़ा हेडिंग में मेंशन कर दिया, चाहे तो आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आता हूँ। दोस्तों, ये आपको रहेगा जैसे मैंने आपको बता दिया है, आपका जो टेक्नीशियन रहेगा फोन बैंकिंग ऑफिसर रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स तक, और एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 20 से लेकर के 30 साल के अंदर आपका जो एज लिमिट होना चाहिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस जॉब के लिए कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या नहीं तो मैं उसका ऑफिस एड्रेस दे दूंगा, आप ऑफिस एड्रेस में जाके भी आप पता कर। और ये जो जॉब लोकेशन है दोस्तों, ये कोलकाता लोकेशन के लिए है। यदि आप दूसरे लोकेशन के लिए देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना है, अगला जो जॉब है वो आपके ऊपर मैं लेकर के आ सकता हूँ। और दोस्तों, यदि आपको बंधन बैंक का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, क्लिकर में क्लिक करके आप ऑनलाइन पे देख सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं दोस्तों, इसका जो जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए, तो कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आप चाहे तो इनके जो ऑफिस है यहाँ पे जाके भी आप जो है आप अपना जो रिज्यूमे है सबमिट कर सकते हो, यानी तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दे दिया है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, सीधा आपके पेज जो है यहाँ पर लेकर के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन आवर टीम में क्लिक कीजिए, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रिफर्ड लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम डालें, फिर जेंडर मेल फीमेल क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद करंट पिन कोड नंबर, फिर करंट स्टेट, करंट सिटी कौन से सिटी में बिलोंग करते हो, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका। यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा यदि आपको दूसरा कोई क्वालिफिकेशन है तब आधार मेंशन कीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप जो है कंप्लीट किए हो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है तो इसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करोगे तो इसके नीचे आपको ऑप्शंस आएगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किए हो, कितने दिन का नोटिस पीरियड है, क्या है, सब कुछ पूछेगा, ठीक है। तो आप जो भी है उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू में क्लिक करें। फिर दोस्तों आपसे आपका CV पूछेगा, यानी कि रेज्यूमे पूछेगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर ईमेल आईडी आप सबमिट कीजिएगा। इसका प्रोसेस यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया है, इस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ अपलोड करने के बाद फिर आप सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सबमिट कर दिया है, या और यहाँ पे लिखकर को आ रहा है, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशंस, वी विल गेट इन टच सून। दोस्तों जब मेरा जो रिज्यूमे है उनको पसंद आएगा तो मुझे जो है ईमेल मैसेज या कॉल करके वहाँ से जानकारी मुझे मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।